क्योंकि वो बारान कराबे की बीवी है। आप चाहे उसकी इज्जत ना करें, लेकिन आप हर हाल में मेरी इज्जत करेंगी और मेरी बीवी की भी करनी होगी। अगर वो तुम्हारी बीवी है और उसकी इस तरह तरफदारी कर रहे हो, तो फिर वो तुम्हारे कमरे में क्यों नहीं रहते? तुम अलग क्यों रहते हो? तुमने उसे कमरे से निकाला और मैंने उसे घर से निकाल दिया, क्या फर्क है इसमें? मैं अपने कमरे में जा रही हूं दादी। मैं फिर से देखना चाहता हूं। देख लो। किया तुमने ये वीडियो अली को क्यों दिखाई? उसे नहीं मालूम था ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने उसे नहीं बताया था अभी तक। मुझे नहीं मालूम था कि ये वीडियो एक राज है। अगर ये बात मैं उसे खुद बताती तो ज्यादा बेहतर होता। इस तरह परेशान मत हो ज़ुमरुद, तुमने कुछ गलत नहीं किया। जब उसे बताओगी तो वो समझ जाएगा, ये भी समझ जाएगा कि जो तुमने किया वो उसकी बेहतरी के लिए किया है, और यही ठीक है। नहीं, मुझे नहीं लगता ये ठीक है। तुम्हें उसे वीडियो नहीं दिखानी चाहिए थी। जुल्म है तुम्हारे साथ, ये कैसे हो सकता है? आप जा सकती हैं कदर बहन। Thank you.
कुछ नहीं कहा। मैं जानता हूं, कुछ नहीं कहा। ये इन सब बातों का वक्त नहीं है, तुम ठीक हो जाओ पहले। अपने कमरे में जाना चाहती हूं, आप मुझे यहां नहीं रख सकते। मुझे रास्ता दीजिए प्लीज। मुझे हाथ नहीं लगाए, आपकी मदद की जरूरत नहीं। तुम आराम करो, तुम्हें इसकी जरूरत है। अगर तुम इसी तरह चलती फिरती रही तो ठीक कैसे होगी? क्या आप अपने जमीर को मुतमईन करना चाहते हैं? पहले उन लोगों के जरिए जुल्म करवाते हैं और फिर आप हमदर्दी जता रहे हैं। मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया, उसके बावजूद भी मुझे सजा दी गई। कोई भी औरत, कोई भी इंसान इस सलूक का मुस्तहिक नहीं है। चाहे आपकी दुश्मन की बेटी हूं, लेकिन जिम्मेदारी हूं आपकी। आप मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते। तो नाकाबिले यकीन है मेहताब, उससे नफरत करने के बजाय वो उस लड़की की हिमायत कर रहा है। आजादे दादी के सामने उसकी हिमायत में आके खड़ा हो गया था। उसने कहा वो बारान कराबे की बीवी है और सबको उसकी इज्जत करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, यही कहा था उसने। मैं हार जाऊंगी मेहताब, पागल हो जाऊंगी मैं। मेरा मतलब है, वो बरान की बीवी कैसे हो सकती है जिसको वो जानता नहीं, उसके लिए दादी के सामने खड़ा हो गया। उसकी बीवी, यकीन आ रहा है क्या तुम्हें? मेहताब, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं बाद में कॉल करती हूँ तुम्हें, ओके? तुम लोग बगैर इजाजत किसी के भी कमरे में दाखिल हो जाते हो क्या? तुम्हें उसूल और आदाब किसी ने नहीं सिखाए हैं क्या? वो मैंने खटखटाया था, मगर तुमने खटखटाया था और मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ, ऐसा ही है ना? नहीं दरिया साहिबा, मेरा ये मतलब नहीं था। मुझे माफ कर दे। फौरन साफ करो इसे। जेहान, क्या हुआ है? कुछ नहीं आपा। क्या मतलब है कुछ नहीं हुआ? तुम अपनी हालत तो देखो जरा। आपा, आपसे कहा है ना कुछ नहीं हुआ।
दिमाग खराब हो गया इसका। बात सुनो तुम। अब सुनने को कुछ बाकी नहीं रहा, फिक्र मत करो। क्या मतलब है, तुम मुझसे नाराज नहीं हुए? नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। तुम्हें बचाते हुए मैं हादसे का शिकार हो गया क्योंकि मैं हीरो बनना चाहता था। मैं बस इंतजार कर रहा था कि तुम मुझे बताओगी। मैंने पहले ही सुन लिया था जब तुम अपनी फैमिली को बता रही थी मेरे बारे में, और अभी हारून ने मुझे वो वीडियो दिखाई तो बस मैं उदास हो गया। तुम्हें बताने ही वाली थी मैं, बस हिम्मत नहीं हो रही थी बताने की। मैं सही वक्त का इंतजार कर रही थी, मुझे लगा था तुम नाराज हो जाओगे। मैं समझता हूँ, वाकई में अगर सोचा जाए तो बताने का सही वक्त ही कहाँ मिला तुम्हें। बहुत शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो, मगर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी मदद करने के चक्कर में तुम्हारी तो जिंदगी ही तबाह हो गई। बहुत अफसोस है मुझे। तुमने बहुत कुछ किया है, गैर के लिए इतना खतरा कौन मोल लेता है, और जिसे आप जानते भी ना हो। क्या तुम समझते हो कि कुछ एहसानात तुम्हारी याददाश्त और जिंदगी का बदला हो सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता। कभी कभी एक मुस्कुराहट ही काफी होती है। तुम सोचो जरा, अगर ये हादसा नहीं होता तो हम कभी नहीं मिल पाते। जुमरुद को कोई उड़ा ले गया तो रोते हुए मेरे पास मत आना, ठीक है? समीर को मुतमईन करना चाहते हैं? पहले उन लोगों के जरिए जुल्म करवाते हैं और फिर आप हमदर्दी जता रहे हैं। क्या वो दिलान के लिए है? जमीन पर घसीटने की वजह से उसके पैरों पर बुरी तरह जख्म पड़ गए हैं। उसके लिए ले जाएं। बेटी, गरम गरम पी लो, बेहतर महसूस करोगी। शुक्रिया कदर साहिबा। अच्छा हुआ तुमने कपड़े बदल लिए। जी बदल लिए।
देखो बारान ने तुम्हारे जख्मों के लिए दवा भेजी है, मैं लगा दूं तुम्हें आराम मिलेगा। इसकी जरूरत नहीं खदर साहिबा। मैं उनका कोई भी एहसान नहीं लेना चाहती। ऐसे नहीं कहो बेटी, इसमें उनका कोई कसूर नहीं। अगर बारान साहब यहाँ होते तो वो ऐसा कभी नहीं होने देते। जो आजादे साहिबा ने किया वो उससे कुछ मुख्तलिफ नहीं कर रहे, दोनों ही बेरहम हैं, दोनों का दिल पत्थर का है। मैंने उन्हें बताया था, उन्हें कहा भी था कि मैं वो नहीं हूं, उन्होंने यकीन नहीं किया, ना ही मेरी बात सुनी। चलो। मेरे पांव में दर्द है, छोड़े मुझे, क्या कर रहे हैं? आपके लिए कुछ और लाऊं मातरमा? ले जाओ इसे यहां से, कुछ भी खाने का दिल नहीं चाह रहा, उठाओ फौरन, भूख प्यास सब मर गई है। क्या इसने बताया था कि मैंने खून दिया है? इसका क्या मतलब? दादी जान, मैंने जो पूछा है उसका जवाब दे मुझे। नहीं, इसने नहीं बताया। किसने बताया? क्या मतलब है इस बात का कि किसने बताया? मालूम हो गया बस मुझे। बेटी कहाँ थी तुम? तुम्हारी अम्मी बार बार फोन कर रही हैं कि तुम्हें गोश्त लेने भेजा था, अभी तक आई नहीं। देखे मैं तो भूल ही गई बिल्कुल, मैं बस अभी ले जाती हूँ, याद आया उन्हें प्याज भी चाहिए थी। रुको जरा आराम से, अपनी अम्मी से कहना कि गोश्त को नरम रखें, पिछली बार ज्यादा गल गया था, ज्यादा गला हुआ गोश्त मुझसे नहीं खाया जाता। चलो अब तुम जाओ, गोश्त ले लो, वहाँ रखा है। शुक्रिया बाबा, मैं जल्दी से गोश्त लेकर जाती हूँ ताकि अम्मी गुस्सा ना करें। बेटा आज हमारे लिए बहुत खास दिन है अली, हम उसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्या मतलब खास दिन? हाँ खास दिन, यानी हम आज के दिन घर पर इकट्ठे होते हैं और बहुत मजे करते हैं, दुकान भी जल्दी बंद कर देते हैं, हम साथ खाना खाते हैं, गाने गाते हैं, एक साथ वक्त गुजारते हैं और तफरी के लिए जो दिल चाहता है वो करते हैं बस। अच्छी बात है, सब मिलकर एक टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं, मैं तो ये सोचकर ही पुरजोश हो रहा हूँ। अली आज रात तुम भी आ जाओ ना। जी नहीं सईद अंकल, मैं परेशान नहीं करना चाहता। अरे इसमें परेशान करने वाली क्या बात है, मुझे कुछ नहीं सुनना, आज रात तुम आ रहे हो।
आप इसरार कर रहे हैं तो मैं आ जाऊंगा। सब वाजे हो चुका है इज्जत, अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ी गद्दारी है ये, अली को अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। पता है मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, अपनी भतीजी के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। किस किस्म का इंसान है ये, हम सबको बेवकूफ बनाया। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं है राणा, ये भी तो मुमकिन है कि उसे कोई मसला हो जिसके बारे में हमें मालूम ना हो। कैसा मसला आखिर? इज्जत, तुम उसके सबसे करीब थे, अगर कोई मसला था तो वो तुम्हें तो बता सकता था ना। मेरा मतलब है कि जिन लोगों को कोई परेशानी हो तो क्या वो अपने ही घर में डाका डाल के गायब हो जाते हैं? एक बेटा इस तरह बर्ताव नहीं करता। राणा, आपको उसको सबक सिखाना ही होगा इज्जत, बस अब यही करना पड़ेगा। अली को जायदाद से आंख कर दे। तुम क्या कह रही हो ये? नहीं राणा, हरगिज नहीं। मैं मानता हूं जो कुछ भी अली ने किया वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, मैं माफ भी नहीं करूंगा उसे, मगर जो तुम कह रही हो वो नामुमकिन है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्या आप जानते हैं कि नामुमकिन क्या है? कि मेरा और उस गद्दार का सरनेम एक ही है। माजरत चाहती हूँ, मगर मैं अपने नाम को इस तरह दागदार नहीं होने दूंगी। मैंने उसे जन्म नहीं दिया, ना ही कोई फर्क पड़ता है इससे, लेकिन बदनाम तो मैं भी हो जाऊंगी ना। आप एक मुअत्तबर आदमी हैं इज्जत, और आपने अपनी साख को कभी भी दागदार नहीं होने दिया। अगर आप इसी तरह खामोश रहे और अगर अली को सजा नहीं दिलाई आपने, तो याद रखिएगा कि आपकी बरसों की इज्जत खाक में मिल जाएगी। और मैं ऐसे आदमी के साथ हरगिज नहीं रह सकती जिसने अपनी इज्जत अपने हाथों खो दी। या अल्लाह, ये लोग इतने मतलबी क्यों हैं? इनके दिल इतने स्याह क्यों हैं? बात सुने बगैर अपना फैसला सुना देते हैं। उन्होंने काश मेरी बात सुन ली होती। क्या उनका दिल भी पत्थर का हो गया है? पहले खुद जख्म देते हैं, फिर खुद ही मरहम लगाने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे लिए जरूरी है। मुझे आपका कोई एहसान नहीं चाहिए। हाँ।
क्या कर रहे हैं? ये मैं खुद कर लूंगी, अपने जख्म खुद भर लूंगी मैं। मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है, छोड़े मेरा पांव। मैंने कहा छोड़े। जुमरुद? जी अम्मी, कहें, किचन में हूं मैं। कहां रह गई थी? 5 घंटे से गायब हो तुम। काश मैंने तुमसे मदद ही ना ली होती। कहां थी? मैंने पूछा कहां थी तुम? अब आ गई हूं ना अम्मी, चलिए जल्दी से इसे बना लेते हैं। हाँ तुम कर ही ना लो, इसको 2 घंटे लगते हैं मालूम है। हमारे पास वक्त नहीं है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं कर लूंगी। पहले तुम गायब हो गई, अब जल्दी करके क्या दिखाना चाह रही हो? अम्मी आपने खुद कहा ना कि मैंने देर कर दी है, तो बस अब इसीलिए मैं इसे जल्दी से बनाना चाहती हूँ। आप जब तक सलाद बना ले अम्मी, मैं इसे मुकम्मल करती हूँ। अरे वाह, रात का खाना तुम बनाओगी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अरे आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं कुछ नहीं करती, और आज पहली बार किचन में कदम रखा हूँ मैंने। ठीक है, उसे नहीं बताया था। यह बात बताने की कोशिश की उसने, मगर नहीं मानी मैंने। मैं ही गलत था। कुछ मामलात बहुत पेचीदा होते हैं बरान बेटे, यानी इंसान गलत फहमी का शिकार हो जाता है और इस तरह वो गलत फैसले भी कर बैठता है। अब मुश्किल से गुजर रहे हैं मैं जानता हूं, मगर अहम बात यह है कि किसी भी इंसान का दिल ना तोड़ा जाए। आप समझ रहे हैं ना? यानी जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे सुधार लेना चाहिए, यही सबसे जरूरी है। क्योंकि इंसान तो एक खता का पुतला होता है बेटा, मगर एक आदिल इंसान अच्छी तरह जानता है कि कब उसका बर्ताव गैर मुनसिफाना था। चलो अब लड़ाई खत्म करो और अच्छे बच्चों की तरह एक दूसरे से माफी मांगो। मैं नहीं मांगूंगी, ये मांग ले। लेकिन बाबा आपने देखा ना इसने क्या किया? फर्क नहीं पड़ता किसने क्या किया, मैं तो बस ये देखना चाहता हूं कि माफ कौन करेगा। माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। मोहब्बत इंसान को परवान चढ़ाती है, सिर्फ जीत जाना काफी नहीं। और देखो बच्चों, गलती तो इंसान से ही होती है ना, आज तुमसे तो कल किसी और से। जो शख्स माफ करना नहीं जानता अकेला रह जाता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता, उसका दिल साफ नहीं होता। मगर जो माफ करना जानता है उसका रास्ता साफ होता है। तुम दोनों भी अपना रास्ता साफ कर लो, ठीक है प्यारी बेटियों?
आपको आपके बचपन से जानता हूं बारान साहब। आप बचपन से ही लोगों को उनकी आंखों से पहचान लेते हैं, इंसाफ करना चाहते हैं। आपके ईमानदार होने पर मुझे कोई शक नहीं, मगर ये मामला मुख्तलिफ है। हर शख्स अपना तवाजन खो सकता है, क्योंकि आपका दिल और दिमाग मुख्तलिफ सिमत में है। आप सही कह रहे हैं, मगर मेरे लिए सच जानना बहुत जरूरी है। मैंने गलती की है, चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, बेगुनाह को इल्जाम देना दुरुस्त नहीं है। अब जबकि आपको सही सिमत मिल गई है, तो मुझे यकीन है कि आप कोई सही रास्ता निकाल लेंगे। पूरा यकीन है मुझे। शुक्रिया अहमद चाचा, चलता हूं। काफी दिनों से वो रेस्टोरेंट में रह रहा था, और अब देखो तुम्हारे बाबा उसको घर भी ले आए हैं। केवरिये खामोश हो जाओ, बाबा सुन न लें कहीं, उन्होंने सिर्फ रात के खाने पर ही तो बुलाया है। मैं बता रही हूँ, उनको अपना दामाद मिल गया है, और देखना बहुत जल्द नाना जान भी बन जाएंगे। माशाल्लाह। बाबा आ जाओ मेरे बच्चों, अली आज हमारा मेहमान है। अली खुश आमदीद। आंटी। आ मीने आ जाओ, चलो कहवा पीते हैं। पीना चाहोगी क्या? साथ पीते हैं, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। नहीं कहवे का मूड नहीं है। अच्छा है कि आप अकेली मिल गई, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं आप लोगों की सारी बातें सुन चुकी हूँ, आप जो कर रही हैं वो ठीक नहीं है, ये गलत है आंटी। मुझे यकीन है कि कुछ गड़बड़ है। अली अपने बाबा को अकेले नहीं छोड़ सकता, और पैसे लेकर भी नहीं भाग सकता, समझी? मुझे यकीन है। वाकई? फिर कहाँ है तुम्हारा वो नायाब अली, बताओ जरा, और हमें उसकी कोई खबर क्यों नहीं मिल रही? शादी वाले दिन पैसे लेकर क्यों भाग गया वो? देखो मीने, जानती हूं कि तुम उदास हो और हक पर भी हो, लेकिन मैं तुम्हें खुद को बर्बाद नहीं करने दे सकती। इस शादी को लेकर मैं शुरू से खुद को कसूरवार ठहरा रही हूं, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अगर मैंने शुरू में ही एतराज किया होता तो आज तुम उदास ना होती ऐसे, मगर अब यह हो गया है। मीने, सच का सामना करने का वक्त है ये। अली एक चोर है। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। बात दरअसल कुछ और ही है आंटी। अली को इज्जत की नजरों में गिराना बंद करें। अली पर आप बहतान लगा रही हैं, इसकी इजाजत मैं आपको कभी नहीं दूंगी। अगर आपने अली को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर पहली बार जिंदगी की इस जंग में हम दोनों दुश्मन होंगे आंटी, समझ गई? इंसान खता का पुतला होता है बेटा, मगर एक आदिल इंसान अच्छी तरह जानता है कि कब उसका बर्ताव गैर मुनसिफाना था।
मुझे कुछ करना होगा। तुम बहुत खूबसूरत हो और बहुत मासूम भी। लेकिन तुम इस जहन्नुम में क्यों खिले हो? इन जालिमों के दरमियान कैसे गुजारा करते हो? शायद तुम अकेले ही हो जो यहाँ जिंदा है। वरना इनके दिल तो मुर्दा हो चुके हैं। अली भी आ रहा है। आई, मेरे पास से तो प्याज की बदबू आने लग गई है। ना सिर्फ प्याज की बल्कि जो कुछ पकाया है सबकी बदबू आ रही है। जुमरुद, हाँ, जैसे ही स्कूल खत्म करोगी हम तुम्हारी शादी कर देंगे। अगर कोई अच्छा रिश्ता मिल गया तो हम इंतजार नहीं करेंगे, समझी? क्या आखिर आप ये क्या कह रही हैं अम्मी? मैंने तो साफ बाकी है, कुछ गलत नहीं कहा। आजकल तुम्हारा रवैया कुछ बदला हुआ है। बहरहाल अब तुम बड़ी हो गई हो। उफ या अल्लाह अम्मी, मैं कपड़े बदलने जा रही हूँ। ओहो, मेरी फूफड़ बेटी, इसके पास दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है। बारान साहब ने मंगवाया है बेटी, अभी पहुंचा है ये। मुझे नहीं मालूम क्या चीज है। इसे कहां रखवाऊं मैं? कमरे में ले जाए। जी बेहतर जनाब। चलो बेटा चलो चलो। ओ, अस्सलाम वालेकुम सईद साहब। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? इसे छोड़ें, ये बताएं आप कल दुकान में होंगे? मैं रेंट एग्रीमेंट लेकर आऊंगी आपके पास। जी हाँ, मैं दुकान में ही होऊंगा, आप आ जाइएगा। चले ठीक है फिर। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम ख्वाब देखते रहना हारून बेटा, इन लोगों ने जुमरुद के लिए लड़का ढूंढ लिया है।
मुझे लगता है सईद ने अपना दामाद पहले से ही चुन लिया है। अच्छा मौका है और ये मौका मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। इधर यहां आओ, जरा जल्दी आओ, कुछ बताना है तुम्हें। क्या बात है फिक्रिये? देखो अब वक्त आ गया है कि तुम कर्ज अदा कर दो। अभी कैसे अदा कर सकती हूँ मैं, थोड़ा वक्त दो मुझे। तुम्हें तो मालूम है ना कि मैंने अभी घर खरीदा है। पैसों की बात नहीं कर रही हूँ मैं, तुम बस मेरा एक काम करो। घर खरीदने में मैंने तुम्हारी बहुत मदद की थी, याद है ना? हाँ बिल्कुल याद है मुझे, मैंने तो घर किराए पर भी दे दिया और मैं काफी खुश हूँ उन लोगों से। ज्यादा खुश मत हो, बात सुनो, अपने कर्ज के बदले उन्हें घर से निकाल दो फौरन, कर्ज माफ कर दूंगी। क्या हुआ बेटा, कोई बात है क्या? मुझे नहीं बताओगे? कुछ नहीं हुआ दादी, हर चीज बिल्कुल ठीक है। कदर, मैं कमरे में जा रही हूँ, ये खाना वहीं ले आओ। मैं स्टडी रूम में खा लूंगा, आप लोग यहीं बैठे। डरने की बात नहीं, गुल को देखा है तुमने? नहीं देखा। मुझे उससे कहना था कि मेरे लिए कुछ खाने को बना दे। शुक्रिया, मैं खुद ले लूंगा।
बेटी तुम जवेरिया के पास बैठ जाओ, वहां से तुम ज्यादा बेहतर मेजबानी कर सकोगी। शुरू करते हैं, खाने से लुत्फंदोज हो। लुत्फंदोज हो। सुनो, मेरी तरफ देखो, क्या तुमने लिपस्टिक लगाई है? नहीं, मैंने तो नहीं लगाई है। झूठ मत बोलो जुमरूद, मैं देख सकती हूँ, नजर आ रहा है। आप सूप पिए ना, ठंडा हो जाएगा। चाबी इस बॉक्स की होगी। मेरे ख्याल से ये बारान की अम्मी के होंगे, उनकी पसंद लाजवाब थी। सभी खूबसूरत हैं। उनका इंतखाब लाजवाब था। काश के वो जिंदा होती आज भी। नहीं बेटी नहीं, तुम इतनी थी जब भी बहुत जिद्दी हुआ करती थी। तुम और तुम्हारी बहन कभी सुकून से नहीं बैठी। अस्सलाम वालेकुम। हारून, खुश आमदीद। मैंने कुछ मछलियां पकड़ी थी तो सोचा कि आप लोगों के लिए ले आऊं, बिल्कुल ताजा हैं। हारून बेटा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया हारून, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, आ जाओ, हमने अभी शुरू ही किया है। हा? बेटी, हारून के लिए जल्दी से जाकर प्लेट ले आओ। बेटा आओ, बैठो, आ जाओ, आओ बैठो। दो मुझे, बैठो। अली, अब तो तुम फैमिली का हिस्सा बन गए हो। इस तरह तो तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन गए हो। हमारा दस्तरखान वसी हो रहा है, बरकत हो रही है, बरकत। साहिबा खुश आमदीद, सब खैरियत है? जहमत देने के लिए माजरत चाहती हूँ मैं। कोई बात नहीं। खड़ी क्यों है आप? बैठिए, खाना खाइए हमारे साथ,
बेटी जाओ कुमरू साहिबा के लिए भी प्लेट लेकर आओ। शाबाश। नहीं सईद साहब, मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग घर खाली कर दें। किसी भी इंसान का दिल ना तोड़ा जाए, आप समझ रहे हैं ना? यानी जब इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे सुधार लेना चाहिए, यही सबसे जरूरी है। आ जाए। सही वक्त पर आई हैं आप, इसकी जरूरत थी मुझे, मैं आपसे कहने ही वाला था। बेटे मैं जानती हूँ आपको कब किस चीज की जरूरत है, सब कुछ इतने अरसे काम करने के बाद मालूम हो ही जाता है। गुल किचन में है, अगर कुछ चाहिए हो तो उसे बता दीजिएगा। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। रात बहुत हो गई है, गुल से कहिए कि वो भी अपने कमरे में चली जाए। शुक्रिया बेटे। कदर बहन, उससे कहे मेरे कमरे में जाए, मैं सारी रात यहीं रहूंगा। ठीक है, मैं उसे ये कह देती हूँ। अपने कमरे में जा रही हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो मुझे। नहीं कदर साहिबा, शुक्रिया। और हाँ, बारान साहब ने कहा है कि दिलान कमरे में जा सकती है, तुम्हारी जगह वहीं पर है। मियाँ और बीवी में ना इत्तफाकी होती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों एक दूसरे से दूर रहें। उन्हें दरगुजर करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए उन्हें एक साथ ही रहना चाहिए। बेटी और बेटी, बारान साहब ने कहा है वो सारी रात काम करेंगे, वो अपने कमरे में नहीं जाएंगे। मेरी बात मानो बेटी, चली जाओ वहां, सुकून से सो जाओगी। Thank you.
जल्दी क्यों उठ गई बेटी? क्या हुआ है? क्या तुम रात को उनके कमरे में गई थी? मैं जहां हूं वहीं ठीक हूं, वहां नहीं गई और मैं अपने कमरे में ही रहूंगी, मुझे वहीं आराम आता है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। कदर साहिबा। हाँ बोलो बेटी। क्या मैं अपने कमरे में कुछ खूबसूरत से फूल लगा सकती हूँ? फूल पसंद है मुझे। हाँ क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। फूल मुझे भी बहुत पसंद है। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं देख लूंगी। आ जाएं। सलीम ने कॉल की थी, खुशखबरी है वो नए प्रोजेक्ट में हमारी मदद करेंगे। अच्छी बात है, उन्होंने सही काम किया है, ये दोनों कंपनीज के लिए है, नया नजरिया साबित होगा। मगर तुम सलीम साहब और उनकी वाइफ का अच्छी तरह शुक्रिया अदा करना। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। हमें क्या भेजना चाहिए उन्हें? आज वो दोनों मिलकर देखते हैं। मैं मसरूफ हूं, एक काम करो, तुम्हें जो अच्छा लगे वैसा कर लो। जीवदीत भाई घर पे हैं क्या? नहीं हारू, वो तो बाहर गए हैं घर देखने के लिए, उसके बाद वो शॉप पर जाएंगे। ये नई मुसीबत आखिर कहां से नाजिल हो गई? मैं तो बस इसलिए आया था कि शायद मेरी मदद की जरूरत हो। नहीं नहीं, हम तुम्हें बता देंगे अगर कोई जरूरत होगी। हारून, सही बताओ तुम किस लिए आए थे? मैं आपसे बात करने आया था। हाँ, अब दिमाग ठिकाने लगा ना तुम्हारे हारून। चलो जल्दी बताओ, बताओ क्या बात है। मैं जुमरुद को पसंद करता हूँ।
जब से उसे देखा है मोहब्बत हो गई है और मैं उसी से शादी करूंगा, उसके अलावा किसी से नहीं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, तूने घर पसंद आ गया? हाँ बाबा, मुझे भी पसंद आया और वो करीब भी है। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारी अम्मी फौरन जाना चाह रही होंगी वहाँ। मुझे भी ऐसा ही लगता है, हम फौरन ही पैकिंग शुरू कर लेंगे। उज्जैन, अरे खुशामदीद, कहाँ थे तुम इतने दिनों से? उज्जैन, उज्जैन साहब, मैं मालूमात ले आया हूं। कमरे को रंगीन करना चाहती हूँ। खूबसूरत लग रहा है। कुछ अहम चीजें हैं। क्या इसने दिलान के लिए गिफ्ट खरीदा है?